दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन लगभग उसी के तरह से होते हैं। आप एक क्वेश्चन अगर मन लगा के सीख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेल करें, व्हाट्सअप करें, जो करना वो करें। आप इस क्वेश्चन से चालू करते हैं, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। लगभग 15 मिनट आपके लूँगा और सारे क्वेश्चन सिखा दूंगा। cos 30 डिग्री को आप पहले लिख दीजिए, cos 30 डिग्री, फिर आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों ऐसा करने को कहा मैंने आपको? ताकि आपका फॉर्मूला लग जाए। इसमें cos 10 डिग्री और cos 50 भी ले सकते, कोई भी दो ले ले। cos 30 डिग्री इसलिए अलग किया क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मालूम है, √3/2 होती है, (√3/2)। और यहाँ पे जो बचा है आपका cos 70 डिग्री, उसे भी लिख दीजिए। अब 2 cos A cos B है, ये फार्मूले लगेंगे चारों। मैंने पहले से ही फार्मूले लिख दिए हैं ताकि आपका समय बचे। तो ये वाला फार्मूला लगेगा cos A plus B, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री + 50 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री - 50 डिग्री cos 70 डिग्री। ये हो गया आपका √3/4 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री प्लस cos -40 डिग्री इज इंटू cos 70 डिग्री। √3/4 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू ले ली, और cos-θ कितना होता है? cos θ। तो ये लिख भी दिया, cos-θ इज व्हाट? cos θ। तो इसलिए ये लिख दिया, बिकॉज ऑफ दिस। ये हो गया। अब आप यहाँ एलसीएम ले लें, √3/4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos 40 डिग्री अपॉन 2 cos 70 डिग्री। ये बना आपका √3/8, और cos 70 डिग्री मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री। फिर से देखिए आप, क्या फार्मूला लगेगा? जो आपने ऊपर लगाया वही फार्मूला लगेगा। cos 70 डिग्री में कुछ भी नहीं होगा, इसमें 2 cos A cos B। फिर से लगेगा आपका फार्मूला cos A plus B, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री - 70 डिग्री। डिग्री बार बार लगाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, तो काम बनेगा आपका। ये बन गया √3/8, ये बन गया आपका cos 70 डिग्री, ये बन गया आपका cos 110 डिग्री, ये बन गया cos -30 डिग्री। ये आपका यहाँ तक का कैलकुलेशन है। अब ध्यान से सुनिए, अब वापस से इसे ऊपर की थोड़ी सी स्टेप्स रब कर देता हूँ और फिर समझने की कोशिश करते हैं। cos 70 + cos this, तो ये √3/8 cos 70 डिग्री को वैसे ही रहने दो, cos 110 को आप लिख लो 180 डिग्री - 70 डिग्री cos-θ इज cos θ, तो ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, √3/8 cos 70 डिग्री, cos 180 डिग्री - θ कितना होता है? -cos θ होता है, तो ये हो जाएगा cos 70 डिग्री। ये इससे कट गया, ये वैल्यू आ गई इसकी √3/2। ये कौन सा कंसेप्ट यूज किया? cos 180 डिग्री - θ इज -cos θ। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर आ चुका है। क्या है आपका आंसर? आपका आंसर है √3/8 × √3/2 (3/16). जैसा ये किया है मैंने, वैसा ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो जैसे ही आप 2 को करेंगे तो 2 भी बिल्कुल उसी के जैसा है, डिट्टो, कोई चेंज है ही नहीं। आप सवाल नंबर 3 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप?
साइन थीटा को लिख सकते हो आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस, सॉरी साइन थीटा को लिख सकते हो आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 80 डिग्री। इसको लिख दोगे कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। इसको लिख लोगे कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 40 डिग्री। इसको लिख लोगे 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, किसके जैसा बन गया बताओ, ये हो गया ना, सेकेंड और थर्ड सेम हो गए, सेकेंड एंड थर्ड सेम सेम, तो जैसे सेकेंड करोगे वैसे ही थर्ड कर दोगे। और ये जो क्वेश्चन है ये तो हम कर चुके हैं, कॉस 20 डिग्री को क्या लिखोगे आप, साइन 20 डिग्री को कॉस 90 माइनस 20, कॉस 70 डिग्री, 90 डिग्री माइनस दिस तो कॉस 50 डिग्री, कॉस 90 माइनस दिस तो कॉस 30 डिग्री, या वैल्यू डाल दो और ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री, किसके जैसा हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। तो ये भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फोर था। सिक्स्थ भी उसी के जैसा है, किसके जैसा है सिक्स्थ, सिक्स्थ किसके जैसा है, सिक्स्थ भी आपके ये कॉस वाले जैसा है, तो बजाय साइन से आप कॉस कॉस से कर सकते हैं इनको। और अब मैं आपको टेन वाले क्वेश्चन की सीक्रेट बताता हूँ कि टेन वाला क्वेश्चन कैसे डील करेंगे आप। तो टेंथ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ पार्ट है आपका टेन। तो टेन 20 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू डाल दें आप, क्या है टेन 30 की वैल्यू, आप टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 40 डिग्री को लिख दें आप साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री। इसको लिख दें आप साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। अब ये आपके पास हो गया है, और मेरे ख्याल से आपका समय हुआ है अभी 7 मिनट। अब अगले 3 या 4 मिनट में हम इसको कर देते हैं। तो आप देखिए 1/√3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, चाहें तो आप साइन को फिर से इसको कॉस में चेंज कर दें। तो अगर आप इसको कॉस में चेंज कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये बन जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये बन जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और नीचे का आपका बन गया कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। अब आप इसको कॉस कॉस में बदल दिया आपने, ये भी हो गया हमारा काम। तो अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ, और इसके इक्वल टू में मुझे 1 लेके आना है, आपको जैसा मैंने बता दिया। कॉस से डील करेंगे, देखो अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो पहला क्या बन जाएगा आपका, 2 कॉस 70 डिग्री, और दूसरा है आपका कॉस 50 डिग्री। इनका पेयर बनाएंगे, इनमें आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली, ये एक ही लगाई है सब में, दूसरी कोई लिखी हुई जरूर है पर लगाई वही है अभी तक, क्योंकि मैंने सब किस में बदल दिए, कॉस में। और ये हो जाएगा आपका कॉस 10 डिग्री। इधर देखिए इसमें भी लगा दें आप 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, और ये हो गया आपका कॉस 80 डिग्री। अब आप आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 70 प्लस 50 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री ब्रैकेट कॉस 10 डिग्री अपॉन, इधर भी लगा दें कॉस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री। अब देखिए 1/√3 ये कितना हो गया कॉस 120 डिग्री, ये हो गया आपका कॉस 20 डिग्री, और इनटू में कौन है आपके कॉस 10 डिग्री, ये कितना हो गया आपका कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस माइनस 20 डिग्री।
तो कॉस माइनस थीटा आपको मालूम है कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब इनको भी हटा देता हूं क्योंकि अब इनका यूज हो चुका है, इस फॉर्मूले का बस यूज होगा, तो अब आपके दिमाग में आ गया वो फॉर्मूला। टू कॉस ए कॉस बी को कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लिख दीजिएगा। वन बाय रूट थ्री ब्रैकेट कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 इसकी वैल्यू प्लस कॉस 20 डिग्री कॉस 10 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। कॉस माइनस थीटा आपको मालूम है कॉस थीटा होता है ना। ये पहला क्वेश्चन नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा पिछला वो आना भी चाहिए। अब मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। टाइम मेरे ख्याल से 11 मिनट हुए हैं, घड़ी पर मेरी बराबर नज़र है। मैं 15 मिनट से पहले आपको फ्री कर दूंगा, आप देखो विद इन 15 मिनट्स इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 1/√3, एलसीएम ले लिया तो ये यहाँ पे 2 चला जाएगा और कॉस 10 डिग्री मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस कॉस 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 10 डिग्री होल अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में कितना आएगा ये, तो ये जाएगा कॉस 80 डिग्री प्लस एलसीएम ले लो आप 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री और होल अपॉन कितना 2, ये 2 कैंसिल कर दो। अब आपके पास आ गया है 1/√3 माइनस कॉस 10 डिग्री, इसमें फिर से आप आइडेंटिटी लगाओ 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस ए प्लस बी 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब देखिए ये माइनस कॉस 10 डिग्री है, ये आपका प्लस कॉस 10 डिग्री है, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए 1/√3 क्या बचा ऊपर आपके पास, आपके पास ऊपर बचा कॉस 30 डिग्री, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, नीचे बच रहा है आपके पास कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, ये कितना है आपके पास कॉस माइनस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज 1/√3। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, √3/2 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। और ये कॉस 80 डिग्री ध्यान से देखिएगा, कॉस 80 डिग्री और कॉस 100 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री को तो वैसे लिखा, कॉस 100 डिग्री को लिख सकते हो आप कॉस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यहाँ जगह का शॉर्टेज हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ 1/√3 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कॉस 80 डिग्री कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बच जाएगा आपके पास 1/2 कॉस 80 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 80 डिग्री ये इससे कैंसिल, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 1/2 अपॉन 1/2 इज 1 हैंस प्रूव्ड। क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये आपको मालूम होगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो देखो दोस्तों हमने कितनी जल्दी 15 मिनट के अंदर लगभग ये सारे सवाल कर दिए। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ये बात पहुंचा दें आप अपने,
कि इस तरीके से और इस मेथोडोलॉजी से इस कम समय में अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव काम हो सकता है और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।